सो वेलकम टू द चैनल गाइज आज हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ों की एटलीस्ट जो मैंने मेरी लाइफ से आउट करने की पूरी पूरी कोशिश यहाँ पर कर दी है फॉर दैट द प्राइमरी रीज़न बींग कि मैं ज़्यादा पैसा बना सकूँ येस yes, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम करते हैं वैन इट कम्स टू स्पेंडिंग मनी बट बट एक हार्ड लुक लेना ऑन कि यार मैं क्या कर रहा हूँ क्या सही कर रहा हूँ क्या गलत कर रहा हूँ यूजली बिकम्स वेरी डिफिकल्ट क्योंकि किसी को भी अपने बजट पे ध्यान देना पसंद नहीं है किसी को अपने शीट्स निकाल के क्रेडिट कार्ड के बिल निकाल के या डेबिट कार्ड के बिल निकाल के देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे पसंद है ना किसी को पसंद होता है कि हम क्या करते हैं बट मोटा मोटा हमको फिर भी अगर आइडिया हो जाए कि हम किन चीज़ों पर पैसा स्पेंड करते हैं जो अगर हम ना करें तो हम ज़्यादा पैसा बना सकते हैं ज़्यादा पैसा रख सकते हैं उसको चाहे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं चाहे कैसे भी यूज़ कर रहे हैं तो हमारे लिए लाइफ में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा लेट से आप सिर्फ टेन परसेंट एक्स्ट्रा सेव कर पा रहे हो एवरी सिंगल मंथ ऑफ वट एवर यू सेव मान लीजिए आप पांच हजार रुपए सेव कर सकते हैं तो आप 5000 हजार के बजाय पांच हजार सौ रुपए सेव कर पा रहे हैं एवरी सिंगल मंथ आपकी लाइफ कितनी बेटर हो सकती है इन फाइव ईयर्स एंड लेट से दैट अलाउज यू टू मेक मोर मनी वाव wow, यहाँ पे लाइफ चेंजिंग डिसीजन ये हो सकता है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं किसी की कोई अपनी शौक़ होते हैं सबके अपने अपने मेरे कुछ शौक़ हैं जिनको मैंने टोन डाउन करने की कोशिश करनी स्टार्ट कर रखी है आपके कुछ शौक़ होंगे राइट एंड स्पेशली गिवन मैं जिस सिचुएशन में ये वीडियो बहुत एप्ट और बहुत ज़रूरी है कि मैं खुद इस पर रेफर करूँगा बाय द वे बिकॉज़ मैं अभी जॉब छोड़ रहा हूँ तो थर्टी फर्स्ट ऑनवर्ड्स मैं अभी फ्रीलैंसिंग साइड पे जा रहा हूँ सो so, हो सकता है क्लाइंट्स हो हो सकता है क्लाइंट्स ना हो कंटेंट क्रिएशन रिलेटिवली ठंडा है इतना पैसा जनरेट नहीं होता है कि पूरा का पूरा खर्चा निकल जाए एंड स्पेशली मेरे जॉब वाले जो अर्निंग है उसके साथ मैच करना इज़ वेरी टफ तो इट्स गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट राइट तो यही इस तरह की जो लिस्ट है इस तरह का एक एक व्यू पॉइंट कि हाँ चलो इन पर मुझे नहीं खर्चा करना है दैट रियली रियली हेल्प्स विद दैट गैस पहला स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं अपडेट टू एवरी सिंगल प्रोडक्ट आउट देयर मैंने नोटिस किया है एंड ये मैंने भी गलती की है मैंने फ़ोन के साथ ये गलती नहीं की है बाय द वे मेरे पास यही आई फोन ग्यारह है पिछले वॉट तीन साल से एंड आई थिंक अगले दो तीन साल भी आई एम नॉट गोइंग टू चेंज इट सेम गोज़ फॉर दिस सैमसंग ए फिफ्टी एस ये भी मेरे पास कुछ आई थिंक दो हज़ार उन्नीस से है एंड ये वाला स्लो है बट आई डोंट थिंक आई न्यू नीड अ न्यू प्रोडक्ट लैपटॉप की बात करें मैकबुक M1 वाला है 2021 में मैंने खरीदा था 2020 मैकबुक है मेरे पास एवरी ईयर देयर आर गोइंग टू बी न्यू मैकबुक्स न्यू डिवाइसेस मैंने हाँ ऑडियो इक्विपमेंट वीडियो इक्विपमेंट ये सारी चीज़ों का मुझे थोड़ा सा शौक था जिसको मैंने अभी कम कर दिया है ऑलसो इस्पेशली मैं जब उसको एक वो बिकॉज ये मुझे पैसा बनाने में हेल्प कर रहा है ऑनलाइन या बिजनेस चलाने में हेल्प कर रहा है तो दिस इज़ अ वैलिड एक्सपेंस बट इवन विद दैट अपडेट टू एवरी सिंगल प्रोडक्ट दैट आई ओन डज नॉट मैटर राइट कि किंडल है किंडल में बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ तो अब किंडल का जैसे नया अपडेट आया उसको खरीद लिया फ़ोन नया आया ले लिया घड़ी नहीं आई ले ली ईयरफोन नया आए ले लिए ईयरफोन हैज़ बिन माई दैट ऑब्जेक्ट जिसपे मैं स्पेशली मेरे पास मतलब इतने ट्रूली वायरलेस ईयरफोन है एयरपोर्ड्स एयरपोर्ट प्रो जे बी एल नॉइज बोट क्या कुछ नहीं है एंड दैट इज़ बैड लाइक मेरे डेस्क पे ही मैं आपको बताता हूँ एंड ये मैंने पहले से ले रखे हैं मेरा डेस्क पे ही अभी चार पेर पड़े हैं राइट सो दिस आई शुड नॉट बी डूइंग राइट सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग जिसमें मैंने अब पैसा खर्चा करना बंद कर दिया बिकॉज ये अब पुराने हो गए थोड़े तो ये आई हैव फॉर क्वाइट सम टाइम सो दिस इज़ वन बिग थिंग दैट एज सेव मई अलॉट ऑफ मनी एंड इस पैसे को मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ कुछ भी कर सकता हूँ राइट नंबर दो इस किताबें सो so, फिज़िकल किताबों का मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ मैं आज भी बहुत बड़ा फैन हूँ आई थिंक फिजिकल किताबें बहुत अच्छे से चीज़ें बिल्ड करती है बट फिजिकल किताबें ना जगह भी लेती हैं फिर उसके लिए अलमारी खरीदो फिर घर का वो है एंड जितनी किताबें मैं पढ़ता हूँ अगर मैं फिजिकल किताबें हर खरीदने लगू तो मैंने कुछ टाइम पहले

आई डोंट रीड इट एनी मोर एंड उसका मुझे फ़ायदा यह होता है कि किंडल की किताबें दो चीज़ें किंडल में मेरे पास मेम्बरशिप है मंथली तो किंडल अनलिमिमिटेड की वजह से मुझे फिक्शन अगर पढ़ना है बहुत सारा नॉन फिक्शन पढ़ना है वो फ्री मिल जाता है एवरी सिंगल मंथ दूसरा अगर मुझे कोई स्पेसिफिक किताब खरीदनी है तो किंडल में यूजली ऐसा होता है कि अगर फिजिकल वो आठ नौ सौ रुपये की है तो किंडल में वो दो दो सौ रुपये के ऊपर नहीं होती है सो आई टेन टू सेव फाइव सिक्स हंड्रेड रुपीज़ एंड मैं बहुत किताबें पढ़ता हूँ राइट एंड सो आई एम लुकिंग एट लाइक मल्टीपल बुक्स एवरी सिंगल मंथ तो अगर मैं हर बुक के पीछे तीन चार सौ पाँच सौ रुपये बचा रहा हूँ तो यहाँ पे महीने का तीन हजार के आसपास मेरा बच जाता है अब उसको मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ उसको मैं सेव कर सकता हूँ उसकी मैं एफडी करा सकता हूँ कुछ भी कर सकता हूँ उसको मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ मेरे बिजनेस में भी सो दैट आई कैन मेक मोर मनी आउट ऑफ इट राइट एक वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है राइट वी सेव सो दैट वी कैन स्पेंड एट अ बेटर प्लेस एंड हम ज्यादा पैसा बना पाए तो फिजिकल बुक्स मैं अब अवॉइड करता हूँ एट एनी कॉस्ट नंबर तीन जो आप लोग लो, मुझे बहुत टाइम से जानते हैं इस चीज़ के बारे में दैट इज़ आई कंप्लीटली ट्राई एंड अवॉइड फास्ट फैशन मेरी टी शर्ट्स आपने नोटिस किया होगा अगर कॉलर वाली टी शर्ट होगी सॉलिड होगी अगर नॉर्मल राउंड नेक टी शर्ट है तो वो भी सॉलिड है सो जॉकी इज़ वन ऑफ दोज ब्रांड्स जॉकी हो गया वेस्ट साइड हो गया इस तरह के एक दो तीन चार ब्रांड्स हैं एच एन एम इज़ अनदर वन एच एन एम पे अगेन सेल लगती है एंड मेरे को पहले से चाहिए होता है तो सेल वाले पॉइंट पर भी इंपॉर्टेंट है बहुत सारे लोग क्या करते हैं ज़बरदस्ती सेल आई तो खरीद लिया डोंट डू दैट बिकॉज आपको लगता है आप पैसा बचा रहे हो बट आप वो पैसा वैसे भी खर्चा करने ही वाले थे राइट right? तो आपने अगर कोई आइटम पाँच हज़ार की थी एंड सेल लगी पहली बात तो ये सेल आधी ज़्यादा बोगस होती हैं प्राइस बढ़ा देते हैं उसमें अमेज़ॉन वाली सेल्स भी आप नोटिस करना बट लेट से कोई आइटम पाँच हज़ार की थी एंड आप उसको ख़रीदने नहीं वाले थे सेल पे लगी तीन हज़ार की होगी आपने बोला दो हज़ार रुपये ऑफरी मैं खरीद लेता हूँ प्रॉब्लम क्या हुआ आपने दो हज़ार रुपये बचाए नहीं आपने तीन हज़ार रुपये उड़ा दिए जो आपको नहीं उड़ाने थे अगर मुझे टी शर्ट्स ऑलरेडी चाहिए तो आई कैन वेट फॉर द सेल राइट एंड इन माई केस फास्ट फैशन का प्रॉब्लम ये है कि क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है एंड uh, उसके अलावा अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो वो आउट ऑफ फैशन हो जाता है सॉलिड कलर सिंगल कलर कितना मैं आज यही शर्ट अगर मान लो मैं इसको प्रिजर्व करके रख लूँ 25 साल के बाद पहनूँ ये चल जाएगी दैट इज़ द पॉइंट सो इन्वेस्ट इन टू गुड क्लोज आई एम नॉट से सस्ता सामान खरीदो या घटिया क्वालिटी का माल खरीदो क्लोज से बहुत ज़्यादा ब्रांडिंग का बहुत फर्क पड़ता है आप मार्केट में जब भी जाएंगे किसी जॉब के लिए जाएंगे किसी चीज़ के लिए जाएंगे इट मैटर्स कि आपने किस क्वालिटी के कपड़े पहने हैं बट यू डोंट हैव टू लुक लाइक अ जोकर आपको फास्ट फैशन नहीं करने की यहाँ पे जरूरत है नंबर चार चीज़ जो मैंने बंद कर दी है खरीदनी विच आई थिंक इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ये चौथी चीज़ के लिए लाइक like, ज़रूर आप दबा दें एंड चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलें दैट इज़ दोस्तों स्टॉक्स जो मेरे दिमाग में नहीं घुसते बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस आपको मिल जाएंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगे इसके उसके इसके उसके बारे में आई एम ए बिग इट कम्स स्टॉक्स एम अ बिग फैन ऑफ ऑरन बफे एंड सर्कल ऑफ़ कॉन्फिडेंस एक पॉइंट है अगर कोई स्टॉक मुझे समझ में नहीं आ रहा है आई विल नॉट इन्वेस्ट इन इट प्रॉब्लम इज़ कि मुझे वो समझ में नहीं आता बिजनेस ना मैं उनकी मैनेजमेंट को गेज कर सकता हूँ ना मैं उस बिजनेस को गेज कर सकता हूँ ना उस इंडस्ट्री को मैं समझ सकता हूँ तो फिर मैं उसमें पैसा डाल के करूँगा क्या मुझे पता ही नहीं होगा कब बेचना है कब खरीदना है क्या मैं सही खरीद भी रहा हूँ या नहीं खरीद रहा हूँ राइट आई माइट बी मेकिंग अ बिग मिस्टेक तो चाहे मैं उसमें पाँच हज़ार रुपये लगाना चाहता हूँ अगर मेरे पल्ले पड़ा ही नहीं वो स्टॉक तो पाँच हज़ार रुपये वेस्ट हो गए आज राइट right? हो सकता है मुझे प्रॉफिट हो जाए हो सकता है ना हो बट द प्रॉब्लम इज आई विल नॉट अंडरस्टैंड कि मेरे पोर्टफोलियो में क्या चल रहा है जिसकी वजह से आई विल लूज ऑन अ लॉट ऑफ मनी कैसे ये पाँच हज़ार तो गया ही गया अपॉर्चुनिटी जो टाइम मैं होल्ड करूँगा उस जिस टाइम में उस स्टॉक को वो टाइम भी गया अपॉर्चुनिटी भी गई मेरी और अगर उस पाँच हज़ार को मैंने किसी ऐसी चीज़ में डाली होता है जो मुझे समझता है जो स्टॉक या जो कंपनी मुझे समझती है और वो कंपनी अच्छा करती है ओवर मल्टीपल साइकल्स आई कैन टर्न दैट फाइव थाउजेंड इंटू फिफ्टी थाउजेंड ओवर फाइव सेवन टेन ईयर्स वॉट एवर दैट पीरियड इज राइट सो अगर मेरे को हिंदुस्तान यूनिवर समझता है तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट इंटू अ न्यू स्टॉक या कोई नया आई पी ओ मैं उसको हिंदुस्तान यूनिवर में डालता हूँ और दस साल शांत बैठता हूँ ना तो पाँच का पचास बनाता हूँ जब मुझे पता है वो चल रहा है तो मुझे क्यों दूसरी तरफ मस्ती करनी है सो दैट नंबर फोर इज इज दो स्टॉक्स दैट आई डोंट अंडरस्टैंड नंबर फाइव जैसा कि मैंने आपको बताया सेल वाला आइटम एवरी सिंगल टाइम मैंने नोटिस किया है बड़ी बड़ी सेल्स लगती हैं हर इंडिया में इनफैक्ट आप बाहर देखें तो बाहर के कंट्रीज में दो मेजर सेल्स होती हैं राइट right? या टेक्निकली तीन मेजर सेल्स होती हैं एक ब्लैक फ्राइडे बॉक्सिंग डे वाली सेल होती है एंड देन देर इज़ क्रिसमस सेल न्यू ईयर सेल भी बहुत रेयरली आपको देखने को मिलती है बट वही क्रिसमस वाली सेल ही थोड़ी सी कंटिन्यू हो जाती है इंडिया में हर महीने सेल हर महीने सेल क्यों क्योंकि इंडियंस को डिस्काउंट के नाम पे यहाँ पे चीज़ें बेची जाती हैं हम लोगों को पहले कंडीशन किया जाता है एक ठीक ठाक प्राइस दिखा के फिर उसको कम करते हैं सेल में बट उसको इतना कम नहीं करते कि वो एक्चुअली सेल के लायक हो जाए सो हमको एक कंडीशन इस तरीके से किया जाता है सेल आया ले लो सेल आया ले लो सेल आया ले लो और इतनी सेल है और हम लोग कैसा फील करते हैं यार मिस हो जाएगा चला जाएगा फोमो क्रिएट किया जाता है आपको भी पता है कि ये हर महीने सेल आनी है हर दो महीने में सेल आनी है, वही साठ सत्तर परसेंट की वही अमेजोन कौन सी ग्रेट इंडिया सेल वही फ्लिपकार्ट फ्ले, की कौन सी बिग बिलियन डेज आने आने हैं वो तो बिग बिलियन डेज मतलब हर दो महीने में बिलियन डेज आते हैं तो यू कैन वेट फॉर वेन यू एक्चुअली नीड दैट आइटम एंड अगर आप वेट करते हैं इट इज फाइन हजारों आइटम्स हैं जो आपके लिए अवेलेबल हैं मार्केट में विच यू कैन बाय इंस्टेड ऑफ दैट आइटम नहीं मिला मेरे को ये मरून कलर मान लो तो क्या तो क्या हो गया ब्राउन कलर मिल जाएगा ठीक है यार सो वट राइट दैट इज़ अनदर थिंग दैट वी हैव टू बी वेरी वेरी ऑफ एंड इंस्टाग्राम वीडियोज़ एंड रील्स एंड दिस एस्पिरेशनल लाइफ स्टाइल इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम एंड हम लोग बहुत पैसा ऐस में स्पेंड करते रह जाते हैं जिसकी वजह से हम हमारी मनी मेकिंग मनी सेविंग अपॉर्चुनिटीज जाती हैं एंड अगर आपका पैसा कम है या आपकी सेविंग्स कम है तो मेंटल प्रेशर आता है एंड मेंटल प्रेशर में यू कॉन्ट परफॉर्म एट वर्क यू कॉन्ट परफॉर्म एट बिजनेस यू एंड अप परफॉर्मिंग पुअरली जिसकी वजह से आपका इनकम भी जो है अफेक्ट होता है तो इस चीज़ का एक्सट्रीम ध्यान आपको रखना है नंबर छः इज समथिंग जो मैं आप धीरे धीरे कर रहा हूँ दैट इज़ बाइंग लो न्यूट्रिशन फूड कंप्लीटली अवॉइड बाइंग लो न्यूट्रिशन फूड एंड इसमें कभी कभी वो तलब लगती है ना कि हाँ आज चिप्स खाने हैं या इस तरह की चीज़ें completely slowly stopping all of that and क्यों low nutrition food it is not just about बीस rupees तीस rupees चालीस rupees जो आप किसी ऐसी चीज़ पे वेस्ट करेंगे खाने की जो आपकी बॉडी के अंदर जाके आपको लेथार्जिक बनाएगी जिसमें तेल अच्छा नहीं है या इस तरह की चीजें हैं जो आपकी हेल्थ को आपको आज तो थोड़ा सा lethargic फील कराएगी आपको खाते हुए बहुत मजा आएगा बट उसके आधे घंटे के बाद बुरी हालत हो जाएगी राइट एंड ऐसा लगेगा बहुत हैवीनस लगेगा नींद आएगी यू बोंट बी एबल टू एन्जॉय वो तो होगा ही होगा बट लुक एट द लॉन्ग टर्म हेल्थ एंड स्पेशली विद समबडी लाइक मी एम टर्निंग थर्टी आई नीड टू लुक एट माई फ्यूचर एज वेल राइट जो चीज़ें हम बीस में खा सकते हैं तीस में नहीं खा सकते राइट सो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि मैं वो वाला एंगल भी यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहा हूँ एंड आई एम कीपिंग एन आई ऑन दैट सो दिस इज अनदर थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू अवॉइड जितना हो सके बिकॉज वॉट हैपन्स इज लेट्स से आई एम थर्टी फाइव एंड आई गेट सम हेल्थ इश्यूज प्रॉब्लम

सो दैट इज समथिंग दट आई वॉन्ट टू ट्राई एन 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 अवॉइड इन फाइव ईयर टेन ईयर्स फ्रॉम नाउ एंड एंड एस एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट आए नॉट सी इसको कम्प्ली बंद कर दो आपको चिप्स बहुत पंद है एट्स फाइन दट्स फाइन आप अगर हफ्ते में तीन बार खाते हो मत खाओ महीने में एक बार खाओ या दो बार खाओ कोल्ड ड्रिंक सेम थिंग राइट आई जस्ट हेड अ बॉटल ऑफ थम्स अप दट दिस वॉज माई फर्स्ट बॉटल ऑफ थम्स अप इन टू मंथ्स टू टू एंड हाफ मंथ्स एंड मुझे थम्सअप इतनी पसंद है कि मेरे घर पर हमेशा दो लीटर की बॉटल होनी होनी है एंड मतलब बड़ी वाली बॉटल जो भी है वो दो लीटर कम से कम होना ही होना है लीटर लीटर की दो बॉटल्स बो, या सेवन फिफ्टी एम वाली दो तीन बॉटल्स होनी होनी है घर पे दिस इज द काइंड ऑफ पर्सन आई एम इतना मुझे थम्सअप पसंद है बट द थिंग इज इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ एंड फ्यूचर में इट्स इवन वर्स सो दैट समथिंग दैट वी हैव टू लुक एट सो दिस क्विक समरी सिक्स थिंग्स द वे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है थोड़ा सा थिंकिंग एंड फिलोसॉफिकल साइड वाला है थोड़ा तो टाइम लगाएं सोचें इसके बारे में तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन वगैरह जरूर दबा देना अपडेट्स टू एवरी सिंगल प्रोडक्ट नंबर दो किताबें फिजिकल की बजाय किंडल लेते हैं हम नंबर तीन फास्ट फैशन ऑफ स्टॉप नंबर फोर इज़ स्टॉक्स दैट आई डोंट अंडरस्टैंड नंबर फाइव इज आइटम्स ऑन सेल एंड नंबर सिक्स इज़ लो न्यूट्रिशन फूड ना लेट वी नो आप ऐसी कौन सी चीजें हैं दो या तीन चीजें जिस पे आप खर्चा करना बंद कर रहे हैं जिनकी वजह से आपका या तो सेविंग्स बढ़ जाएगा या यू विल बी एबल टू तो मेक मोर मनी इन द कॉमेंट्स बिलो आई वुड लव टू सी कि आप किन चीज़ों को रोक रहे हैं लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन द कॉमेंट सेक्शन मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में वंस अगेन थैंक्स अलॉट फॉर ट्यूनिंग इन तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर